हेलो डियर, वेलकम टू डी इंग्लिश एकेडमी। डियर इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम करेंगे पोस्टर, जो कि हमारा किसके बारे में है, सेव एनिमल्स। किसके बारे में है, सेव एनिमल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए यहाँ पर डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स। क्लियर। तो डोंट मीन्स मतलब होता है नहीं, और यहाँ पर वर्ड आया आपका क्रूल। क्रूल मीन्स होता है, यहाँ पर इसका अर्थ होता है निर्दयता। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, आप हिंदी लिख रहे हैं अपन निर्दयता, निर्दयता, या फिर आप सीधा से बोल सकते हैं अत्याचार। मतलब डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स, एनिमल्स पर जो हमारे पशु होते हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, है ना, जानवर होते हैं, उनके ऊपर अत्याचार नहीं करना है। मतलब जो पोस्टर हमारा उसी के ऊपर है, डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर अत्याचार नहीं, कोई निर्दयता नहीं। तो फिर हम क्या करें, देखिए सबसे फर्स्ट दिया आपको लव देम, तो हम क्या करें उनको, हम उनको प्रेम करें। लव मीन्स होता है प्रेम करना। ठीक है, तो लव देम। देन इसके बाद दिया हुआ है देम। देम किसकी बात कर रहे हैं अपन, एनिमल्स की बात कर रहे हैं ना। देम हम इसको कोर्डिनेट करेंगे एनिमल्स से, तो लव देम हम उन्हें प्रेम करें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका फीड देम, और फीड मीन्स यहाँ पर होता है खिलाना। ठीक है, फीड मीन्स होकर यहाँ पर खिलाना, हम उन्हें प्रेम करें, हम उनको खिलाएं, है ना। खिलाने का मतलब यहाँ पर भोजन देने से, हम उनको भोजन दें, फीड देम। एंड अगला है पॉइंट हमारा शेल्टर देम। शेल्टर मीन्स होता है आपका आश्रय, है ना। आश्रय का मतलब किसी व्यक्ति को रहने के लिए स्थान देना, या फिर उनको हम पना दें, या फिर उन्हें हम प्रेम करें, शेल्टर देम। और आगे दिया है वी नीड देम। अब देखिए वी, हाँ वी का हिंदी होता है हम, और नीड मीन्स होता है यहाँ पर जरूरत। ठीक है, तो हमें ज़रूरत है। देम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स की हमें ज़रूरत है मोर देन दे नीड अस, मतलब उनको इतनी हमारी ज़रूरत नहीं है जितनी हमें उनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोस्टर था हमारा। अब इसे पकड़ आपको सर्कल बनाना है, और सर्कल में इसे पकड़ जितना आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ सेव, और सेव मीन्स होता है बचाना, ये लिख लीजिए आप मीनिंग्स, सेव मीन्स बचाना हो गया। तो एनिमल्स है ना, यहाँ पर पशुओं को, जानवरों को बचाना है, सेव एनिमल्स, और सेव द अर्थ, और अर्थ मीन्स होता है हमारा पृथ्वी। ठीक है, तो सेव एनिमल्स, सेव अर्थ, एनिमल्स को बचाओ, पृथ्वी को बचाओ। तो आज का हमारा जो पोस्टर था सेव एनिमल्स के ऊपर, जो कि हमने पूरा डिटेल में देखा है इसको, इसी प्रकार आपको आपके जो एग्ज़ाम में पूरा इस प्रकार से बनाकर आना है। ये स्टाइल लिखा हुआ है, ऐसा आप बना सकते हो, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, है ना, ये इस प्रकार बनाकर। और पूरा पोस्टर का मतलब जो जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो आप, जितना ज़्यादा उसमें डिज़ाइन कर सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती।